अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो अभी जो है हम बच्चों को लेके जो है ना वो जा रहे हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि अभी जो है ना वो आपको पता है कि यहाँ पे क्रिसमस आया है, तो बहुत से हर जगह जो है ना वो लाइट्स से लगी होती हैं। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा था, ठंड भी थी और अच्छा मौसम भी था, स्नो नहीं थी। तो जो है ना बच्चों को हम दिखाने आए यहाँ पे, किसी ने अपने घर पर जो है ना वो लाइट्स लगाई हुई हैं, चीज़ें लगाई हुई हैं। तो लोग काफ़ी लोग जो है ना वो यहाँ पे देखने आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं कि यहाँ पे देखें जो है ना सारे यहाँ पे कितनी लाइट्स लगी हुई हैं। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था, मतलब हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं, किसी के हाउस पे आए हैं और देखें कितनी यहाँ पे देखें आपको काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं और यहाँ पे जो है ना सारे अच्छी खासी लाइट्स। मैं कहा चलो बच्चों को जो है ना ये दिखाते हैं, तो बच्चे जो है ना वो लाइट्स देख के जो है ना वो खुश हो रहे थे, क्योंकि और भी काफ़ी जो है ना बच्चे यहाँ पे आए हुए थे। हम जो है वो क्रिसमस मनाते नहीं हैं, जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन बच्चों को जो है ना वो हम लाइट्स दिखाते हैं। चलो बच्चे जो है ना वो लाइट्स देख के जो है ना खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पा पेट्रोल के भी कार्टून्स लगे हुए हैं, सेंटा बना हुआ है, रेनडियर बना हुआ है और भी काफ़ी अच्छी अच्छी जो है ना वो चीज़ें बनी हैं। तो बच्चे यहाँ पर लाइट्स को देख के जो है ना वो खुश हो जाते हैं। तो अभी बच्चों को जो है ना वो हमने दिखा दिए हैं लाइट्स वगैरह। तो वापसी में जो है ना वो हर ठंड लग रही थी, तो हमने कहा चलें जो है ना अभी बाहर आ ही गए हैं तो हम थोड़ी सी जो है ना वो चाय पी लेते हैं। तो साथ में जो है ना बच्चों ने कहा कि हमने जो है ना फ्राइज़ खाने हैं। हम यहाँ पे आए हैं चाय लंदन और जो एरन मिल्स मिसिसागा में हैं, जो ब्रांच है इनकी, वहाँ पर हम आए हुए हैं। तो अभी जो है बस बच्चे जो हैं वे वेट कर रहे हैं। तो भाई सब भी जो है हम यहाँ पे जो है ना वो अब चाय पी रहे हैं, और चाय वाला जो है चाय वाला ऑफ लंदन, इसकी जो फ्राइज़ है इसका आपको मैं शेप दिखाऊंगी, बिल्कुल जैसे जैसे आइसक्रीम वाला होता है कौन उस शेप का। तो बच्चों ने जो है वो यहाँ पे फ्राइज़ मंगवाए हैं और हम जो है वो यहाँ पे चाय पी रहे हैं। चाय वाला जो है इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, लोग हर जगह से आते हैं और इनकी जो चाय की जो क्रेविंग होती है, तो मतलब लेट नाइट जाएं तो और बाहर जाएं और चाय पिएं, उसका अपना ही एक अलग मज़ा है। वैसे तो घर में पीते हैं लेकिन इसका अपना ही एक अलग टेस्ट है। फिर हम आए थे यहाँ पे राहत पे, और राहत की एक और जो ब्रांच है वो यहाँ पे मिसिसागा में खुली है, जहाँ पे कढ़ाई बॉयज़ है वहाँ पर उसी प्लाजे में ही है। तो यहाँ पे हम आए हैं, हमने कहा चलो यहाँ से जो है ना वो राहत का जो चिकन पेटीज होते हैं वो
और जो क्या कहते हैं उसको, बादाम वाला जो केक होता है वो बहुत मज़े का होता है, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का भी बहुत फेवरेट है वो बादाम वाला। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कढ़ाई बॉयज़ डी स्पॉट्स, यहाँ पे जो प्लाजा है मिसेस आगा में, इसके जो है ना यहाँ पे हम आए हैं दूसरी लोकेशन पे, क्योंकि जो है वो यहाँ पे बाहर जो है ना वो थोड़ी सी ठंड है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है। और तो हमने कहा चले बच्चों के साथ जो है ना वो बाहर निकलने से बेहतर है कि हम गाड़ी में बैठे रहें। तो बस अभी जो हस्बैंड हैं वो गए हुए हैं बेकरी की तरफ और हम जो है बस गाड़ी में जो है ना वेट कर रहे हैं। देखिए आयजल बैठी है, हुरैन है, रिहान है, आयरा है, तो वेट कर रहे हैं। ये है जी बर्फ़ी, और बर्फ़ी हमने खाई है और बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे पाकिस्तान में इसका टेस्ट होता है। तो अच्छा लगता है कि ना हमें कोई पाकिस्तान का जो है ना वो टेस्ट हमें मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। और हमने जो है ना वो पहले से जो है ना वो चाय पी है और ऊपर जो है ना साथ में मिठाई हो तो फिर अपना ही उसका अलग ही मज़ा होता है। तो उसके बाद बस अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर, और देखिए शीशे पे जो है ना वो जो है ना वो धुंध पड़ जाती है। तो जो है शीशे पे जब हम छोटे थे, जब मैं छोटी थी, तो शीशे के ऊपर जो है ना इस तरह लिखते थे हम लोग, कभी ड्राइंग करते थे या कोई चीज़ बनाते थे या किसी का नाम लिख लेते थे। तो ऐसे मैं अपने ना नाम लिख रही थी और बच्चों को भी बताया थी कि देखिए अब ना इस तरह करें, तो बच्चे भी वो शीशे पे कर रहे थे। तो जो है बस अभी जो हम घर जा के तरफ जो है ना वो जाने लगे हैं। तो बस मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।